फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 3 इन द सर्कस। ये जो चैप्टर है ये इनके राइटर जो हैं पोयम के वो हैं सीजे डेनिस। ठीक है, इस पोयम में पोइट ने हमें सर्कस के बारे में बताया है कि सर्कस में क्या क्या होता है। हे देयर हुपला, द सर्कस इज इन टाउन। बहुत खुशी से वो क्या कह रहे हैं, बता रहे हैं कि देखिए सर्कस हमारे सिटी में, हमारे कस्बे में, टाउन में है। हैव यू सीन द एलिफेंट, उस सर्कस में क्या आपने एलिफेंट यानी हाथी को देखा। हैव यू सीन द क्लोन, क्या तुमने क्लोन को देखा। क्लोन क्या होता है, एक जोकर होता है, उसे क्लोन भी कहा जाता है। मतलब वो एक ऐसा पर्सन जिसने अजीब तरीके की कपड़े पहने हो और दूसरों को वो हंसाता है। ठीक है, हैव यू सीन द डैपल्ड हॉर्स, क्या आपने डैपल्ड हॉर्स को देखा। डैपल्ड का मतलब होता है कलरफुल डॉट्स वाले, हॉर्स मीन्स घोड़े को देखा। गैलोप, गैलोप का मतलब है कि फास्ट मूवमेंट करना। ठीक है, घोड़ा जब एक फास्ट मूवमेंट करता है, तेज़ी से घूमता है या जंप करता है, तो उसे गैलोप कहते हैं। राउंड द रिंग, उस रिंग के चारों तरफ आपने उसे घूमते हुए बहुत तेज़ी से क्या देखा, ये हमारे जो पॉइंट हैं वो हमें बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं सर्कस के बारे में। हैव यू सीन द एक्रोबेट्स ऑन द डिजी स्विंग, क्या आपने नट को देखा उस डिजी झूले पर। मतलब डिजी का मतलब है ऐसा झूला जो बहुत तेज़ चल रहा है, जिसमें चक्कर आने लगते हैं। ठीक है, हैव यू सीन द टम्बलिंग मैन टम्बल अप एंड डाउन, क्या आपने उस टम्बलिंग मैन को देखा जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। टम्बलिंग का मतलब भी होता है ऊपर के से नीचे की तरफ जब आते हैं तो उसे टंबल बोला जाता है। ठीक है, जैसे हमारे सर्कस में ये शो कर रखा है ना इस मैन को कि ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, क्या आपने उसे देखा। हुपला हुपला, द सर्कस इज इन टाउन। हुपला हुपला, सर्कस जो है वो हमारे टाउन में है। हे देयर हुपला, हियर इज द सर्कस ट्रूप। वो बता रहा है कि बहुत खुशी से बताते हुए हमारे पोइट कह रहे हैं कि देखिए सर्कस जो है वो हम एक सर्कस का वहाँ ग्रुप भी है। मतलब उसमें बहुत सारे एनिमल्स भी हैं, बहुत सारे पर्सन्स भी हैं जो शामिल हैं, पूरा ग्रुप है सर्कस का। ही हैज़ द एजुकेटेड डॉग, वहाँ पढ़ा लिखा डॉग। यहाँ एजुकेटेड डॉग का मतलब है ट्रेन डॉग, जिसे ट्रेनिंग दी गई है जंपिंग थ्रू द हूप, जो रिंग है उसमें से कूदने की। देखिए यहाँ पे ये डॉग आ रहा है इस रिंग में से। ठीक है, तो उसके बारे में पॉइंट हमें बता रहे हैं। सी द लेडी ब्लॉन्डिन विद द पैरासोल एंड फैन, आप उस लेडी ब्लॉन्डिन को देखिए जो जिसके पास क्या है, एक तो फैन है, पंखा है, और एक पैरासोल है, एक छोटा सा अम्ब्रेला है। ठीक है, जो कि उसे सूरज की रोशनी से या धूप से बचाता है। द लैड अपॉन द लैडर, जो लैड का मतलब है एक लड़का जो कि सीढ़ियों के ऊपर है। एंड द इंडियन रबर मैन, और वो क्या है, एक नेचुरल रबर मैन है। ठीक है, यहाँ उसको नेचुरल रबर मैन इसलिए कहा गया है कि उसकी बॉडी में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है और वो इधर से उधर बहुत जल्दी से जंप कर सकता है, अपनी बॉडी को मूवमेंट करा सकता है। ठीक है, सी द जॉयफुल जगलर, उस खुशनुमा जादूगर को देखिए। एंड द बॉय हु लूप्स द लूप, और उस बच्चे को देखिए जो लूप होते हैं, जो गोल घेरे होते हैं, उनको घुमा रहा है। ठीक है, हे 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 हे, ही इज द सर्कस ट्रूप, यहाँ पर सर्कस का एक ट्रूप है, यानी कि एक सर्कस का ग्रुप है। ओके गाइज, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी और मैसेज मी इन द इवनिंग। ओके गाइज, थैंक यू।